हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडर गर्ल्स और मैं अंकिता। जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज हम मात्र दो इंग्रेडिएंट को यूज करके अपने फेस को हेल्दी कैसे बनाएं, वो एक फेस पैक बनाने जा रहे हैं जिसको आपको रेगुलर यूज करना है। रेगुलर मीन्स डेली। अगर आप इस रेमेडी को डेली यूज करते हैं तो आई डेफिनेटली से डैट आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और जैसे कि आपको पहले ही पता चल गया है कि आज हम हनी और एलोवेरा जेल का यूज़ करके इस रेमेडी को बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, उसमें हमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। इतना सफिशियंट है मेरे फेस के लिए। एंड देन आई विल अप्लाई हनी, या मैं डाबर का हनी यूज़ कर रही हूँ, आप पतंजलि का या जो हनी आपको सूट करता हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ फाइन, यू कैन सी इतना मेरे लिए सफिशियंट है। ऐसे मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, बट फिर भी किसी भी फेस पैक को अप्लाई करने से पहले हमें अपने फेस को क्लीन करना बहुत नेसेसरी होता है। तो हम अप्लाई करेंगे रोज वाटर। और हम इसे फिर अपने फेस पर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। रोज वाटर जब आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत फ्रेश सा फील होता है। लाइक दिस वे आप ये ड्राई हो चुकी है। और हमने जो अभी इस फेस पैक को बनाया उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये इस तरह से लगेगा। आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। मैंने इसे अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। धीरे धीरे अपने हाथों पर इस हाथों से इस तरह से मसाज करना। अगर आपके फेस पर पिंपल्स होते हैं ये उसके दाग को भी धीरे धीरे रिमूव करेगा, ये आपके डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करेगा। आपने इस तरह से अपने आंखों के नीचे इसे अप्लाई करना है। कुछ देर के लिए आपको इसे मसाज करना है, जब तक ये आपको ये अलाउ कर रहा है आपके हाथों को मूव करने में। बिकॉज हनी है तो ये आपके फेस को टाइट करेगी। इसे हमने अपने फेस पर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए ये सूख गई है, इसलिए आपको अब आप इसे वॉश कर लें। मैंने अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है और हम इस तरह ड्राई कर लेंगे। किसी भी फेस पैक को यूज करने के बाद आप इसे मॉइस्चराइजर को कभी भी अवॉइड ना करें। मॉइस्चराइजर आपके फेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पर हनी और एलोवेरा जेल का पैक लगाया था जो काफ़ी अच्छी लग रही है और आपको स्किन बहुत ही सॉफ्ट लगेगी। मॉइस्चराइजर मैं इसके अलावा किसी और मॉइस्चराइजर का यूज़ नहीं करती। आप इसे हाथों पर लेकर तरह से अपने फेस पर लगा लें।
पिछले वीडियो में मैंने बेसन के फेस पैक को बताया था, अगर आप वो अप्लाई कर रहे हैं तो उस फेस पैक के बाद आप मॉइस्चराइजर यूज ना करके उसके बाद आप हनी और एलोवेरा जेल का ये फेस पैक यूज कर लें, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर यूज करें। आई थिंक आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैं इस रेमेडी को बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बट आई थिंक डैट आपको एक वीक में इसका इफेक्ट जरूर पता चलेगा। अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी है। देख सकते हैं। नाउ रेडी। आप इस दो इंग्रेडिएंट को यूज करके एक बेहतरीन फेस पैक बना सकते हैं। आई मस्ट से अगर आप इस रेमेडी को यूज करेंगे तो आपको इफेक्ट पता चलेगा। और आप प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ बताना चाहिए तो आप प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पसंद करूँगी और आपके लिए नए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय।